हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एक्सप्रेस। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। टीचर्स एक्सप्रेस, एक सफर आपके सपनों की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है अमीर खुसरो से संबंधित 10 फैक्ट। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियोज है, क्योंकि आजकल जितना भी दोस्तों हिंदी साहित्य आ रहा है, हिंदी साहित्य से प्रश्न बन रहे हैं, तो अमीर खुसरो से प्रश्न बन ही रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यदि मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो अमीर खुसरो के यदि आप स्किप कर दें तो कई सारी विधाओं को आप स्किप कर देंगे, कई सारी चीजों को आप स्किप कर देंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो, एक एक करके अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं अमीर खुसरो को लेकर के, तो अमीर खुसरो साहब पटियालाई कासगंज के रहने वाले थे। जी हां, आपके उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में कासगंज पड़ता है, वहां के रहने वाले थे अमीर खुसरो साहब। इनके बचपन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों हसन अमीरुद्दीन, इनके बचपन का नाम था। वहीं दोस्तों यदि मैं बात करूं इनके बचपन की शुरुआत कहां से हुई, इनके जीवन की शुरुआत कहां से हुई, दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर अमीर खुसरो ने अपना काव्य पाठ, अपने जीवन की शुरुआत कौन से कार्य से की? तो अमीर खुसरो ने अपने जीवन की शुरुआत में बलवन के बेटे महमूद को संगीत की शिक्षा दीक्षा देने के लिए शुरुआत की। और बलवन के बेटे महमूद को संगीत की शिक्षा देने के उपरांत इन्होंने दोस्तों 7 राजाओं के शासन काल में काव्य पाठ किया। इनके नाम यह भी खिताब दर्ज है कि सबसे ज्यादा राजाओं के शासन काल में काव्य पाठ करने वाले इकलौते कवि हैं अमीर खुसरो साहब। और कोई क्या क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट और आप सभी लोगों को बताते हैं। दोस्तों, इनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो साहब को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। जो मैं अभी आप सभी लोगों के सामने जो बोली बोल रहा हूं, यह बोली है खड़ी बोली। मैं आप सभी लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहा हूं, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ये चल रही हैं लखनऊ से, यानी कि इस लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव क्षेत्र में जो बोली बोली जा रही अवधी बोली, तो खड़ी बोली और अवधी बोली के जनक भी अमीर खुसरो ही हैं। जो हम और आप खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, यदि अमीर खुसरो साहब खड़ी बोली का प्रयोग ना करते तो शायद हम और आप आज खड़ी बोली का प्रयोग नहीं कर पाए। तो खड़ी बोली एवं अवधी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। साथ ही साथ दोस्तों इंटरेस्टिंग बात, आप सभी लोग मुहावरे का प्रयोग करते हैं, पहेली का प्रयोग करते हैं, तो पहेली के जनक कौन है? अमीर खुसरो साहब। मुकरी के जनक अमीर खुसरो साहब। जो आप सभी लोग कव्वाली सुनते हैं, तराना सुनते हैं, कव्वाली, तराना, मुहावरे, इन सभी विधाओं के जो जनक हैं अमीर खुसरो साहब है। दोस्तों सोचो, दोस्तों यदि इन सभी विधाओं को मैं स्किप कर दूं हिंदी साहित्य से, तो क्या ही बचेगा हिंदी साहित्य में? खड़ी बोली, अवधी, पहेली, मुकरी, कव्वाली, तराना और मुहावरा को स्किप कर दूं, दोस्तों कुछ गिनी चुनी विधाएं बचेंगी। अब यदि मैं बात करूं, इन्होंने सर्वप्रथम तबला एवं सितार का प्रयोग भी, तबला और सितार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भी यही कवि थे। तो अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों आपको बहुत कुछ पता चला। यदि मैं बात करूं सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले कवि, तो 300 से अधिक रचनाएं लिखने वाले कवि भी अमीर खुसरो ही हैं। अब बात करते हैं अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए एक छोटी सी ट्रिक। ट्रिक क्या है? खली की हालत नाजुक। खली की हालत नाजुक। खली मतलब खलिक बारी, हालत मतलब हालत कन्हैया, और नाजुक मतलब नजरानाए हिंद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अमीर खुसरो के बारे में पूरा का पूरा एक शॉर्ट वीडियो? इसी तरीके से आप रामधारी सिंह दिनकर को, इसी तरीके से आप जयशंकर प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा जी को, तुलसीदास जी को, यदि आप इसी तरीके से संपूर्ण साहित्य के सारे कवियों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कवि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप उन सभी कवियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, टीचर्स एक्सप्रेस के साथ रहिए। मैं वादा करता हूं टीचर्स एक्सप्रेस आपकी हिंदी
ट्रिकी माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हिंदी बहुत आसान बना देगा, बहुत सरल बना देगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। शाम 5 बजे डेली आपको हिंदी की मिलेगी एक ट्रिक। आप सभी लोग 5 मिनट आइए, सिर्फ 5 मिनट में आपको एक बेहतरीन ट्रिक मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों कल 5 बजे, आना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।